लेक्चर 3 का चैप्टर 2 एडिशन। प्रीवियस क्लास में आप एडिशन के बारे में पढ़े और आज भी एडिशन का ही एक न्यू टॉपिक है, ऐड यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आज का टॉपिक है ऐड यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। इससे पहले भी आप ऐड किए 4 डिजिट नंबर को, 3 डिजिट नंबर को, जो विदाउट रीग्रुपिंग और विथ रीग्रुपिंग, ये सारे नंबर को आपने ऐड किया। आज का जो टॉपिक है ऐड है, बट उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐड करेंगे। कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐड करेंगे? पहले कुछ नंबर हम लोग लिख लेते हैं। ऐड 4, 6, 3 एंड 2, 3, 4। ये 3 डिजिट का नंबर है जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म करके हम ऐड कैसे करेंगे वो सीखेंगे। यहां नंबर लिख लो एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर 4, 6, 3, इसके नीचे इस नंबर को डालो। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। एक्सपेंडेड फॉर्म पहले आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो। फिर अभी एक बार समझ लो कैसे एक्सपेंड करते हैं। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो एक्सपेंड करने के लिए, विस्तारित रूप करने के लिए 100 से स्टार्ट करते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी 4 से। 4 कौन सा पोजीशन पे है? 100। तो हम यहां पे लिखेंगे 400। इसके बाद है टेंस पे 6। 6 कौन सा है? 6 टेंस पे है। टेंस मीन्स दहाई, यानी 60। इसका वैल्यू क्या होगा? 60। 3 वंस पे है, वंस मीन्स वंस, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 10 से। 60 कैसे हुआ ये देखो, 6 × 10। अब ये 10 हम क्यों देंगे? ये टेंस है, दहाई अंक, यानी 10 का मतलब होता है दहाई, यानी 10 से उसको मल्टीप्लाई करो जो टेंस पे डिजिट है। तो टेंस पे डिजिट है 6, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। और 3 1 पे है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 463 का। नेक्स्ट नंबर है 234। 200 प्लेस पे क्या है? 2, तो हम यहां लिखेंगे 200 + 3 tens means 30 + 4 ones ऐड करेंगे। जब हम ऐड करते हैं तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। 1 month को ऐड करेंगे, यानी 3 + 4 कितना होगा? 7। 60 और 30 कितना होगा? 60 + 30 यानी 90। यहां 90 लिख देंगे। 400 और 200 600। ठीक है, अब आप देखिए ये 600, 90 और यह 7। तो हम क्या करते हैं, कैसे ऐड करेंगे? पहले आप इस नंबर को भी ऐड कर लो, फिर इस पर हम डिस्कशन करें। 3, 4, 7, 6, 3,
9 4 प्लस 2 6 यानी 679। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इस नंबर को 600 प्लस 90 प्लस 7, तो ये 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 टेंस और वंस दोनों को हम मिला देते हैं, यानी टेंस में 9 टेंस यानी 9 × 10 होगा 90 और 7, तो हम दोनों को जब मिलाएंगे तो ये 97 होगा, क्योंकि वंस प्लेस और टेंस प्लेस ये दोनों का जो वैल्यू होता है उसको हम मिला देते हैं, जो नंबर बनता है वही नंबर को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 697, क्योंकि ये टेंस प्लेस और ये वंस प्लेस का नंबर है, तो 697 और 697 एक्सपेंडेड फॉर्म को जब हम ऐड करेंगे तो भी इतना ही वैल्यू आएगा। इस नंबर को ऐड करेंगे वैल्यू सेम आएगा, यही है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी नंबर को एक्सपेंड करके फिर हम उसको ऐड करते हैं। अब इसका एक कैरी वाला भी आप समझ लो, नेक्स्ट नंबर 2 4 7 5 3 6 ये नंबर है। अब इसका एक्सपेंड ₹200 KB 1 10 and 100 place 200 प्लस 40 प्लस 7 जो यहां पे अभी ऐड किए थे 90 प्लस 7 सेम उसी यहां पे लिखा हुआ है 47 यानी 40 प्लस 7 मैंने किया। अब आपका नेक्स्ट नंबर है 500 प्लस 30 प्लस 6 ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। अब पहले इसको ऐड करो 6 7 प्लस 6 क्या होगा 13 यहां पे लिखेंगे 13 40 प्लस 30 70 500 200 कितना होगा 700 700 70 and 13। अब इस 13 में वंस और टेंस, वंस एंड टेंस टू पार्ट है इस 13 में, तो क्या करेंगे टेंस को टेंस के साथ ऐड कर देंगे, वंस को वंस प्लेस पे लिखेंगे, यानी ये वंस प्लेस का वैल्यू है, ये टेंस का है और ये 100 प्लेस का वैल्यू है। लेकिन इस वंस प्लेस में तो आपका 2 डिजिट आ गया, नहीं 13 2 डिजिट नंबर है, तो वंस प्लेस पे 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखेंगे, तो यही 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे 700 प्लस 70 प्लस इस 13 को हम 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, यानी टेंस का वैल्यू 10 होता है, तो इसमें से टेंस का वैल्यू हमने निकाल दिया और जो वंस का वैल्यू है ये यहां रह गया। अब जो ये टेंस है और ये टेंस है ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये भी टेंस का वैल्यू और ये भी टेंस का वैल्यू, तो टेंस टेंस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा
700 प्लस 70 और 10 80 और प्लस 3। अब जैसे मैंने फर्स्ट में ऐड किया था कि ये टेंस प्लेस और वन प्लेस को ऐड कर देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी है, जैसे कि ये 47 है तो 40 प्लस 7, सेम 80 प्लस 3 है तो 83, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 783। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 7 6 13 13 का ये 3 वन्स प्लेस पे लिखाएगा और ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा, 7 4 प्लस 3 7 और 1 8 5 2 7, यानी 783। इसका भी वैल्यू सेम आया, एक्सपेंडेड फॉर्म करके देखे 733 आ गया। यानी इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म का जो नंबर है वो हमने ऐड किया। और भी एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो इसमें, इस नंबर का सम करें, इसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म 300 प्लस 20 प्लस 5, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म की 200 प्लस 80 प्लस 6 ऐड करेंगे, 5 6 11 11 यहां डाल, 80 20 100 100 डाल, 300 प्लस 200 500। ठीक है, इससे पहले आप इसका कैरी इसमें आया, अब इसका कैरी इसमें कैसे प्लस होगा वो देखो। अब आप देखो यहां भी वंस प्लेस पे टू डिजिट है, मींस टेंस एंड वंस, 11 ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस, वंस प्लेस पे कभी टेंस हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे टेंस निकाल करके उसको टेंस में ऐड करेंगे। कैसे, तो अब देखो ये 500 प्लस 100 प्लस 10 और प्लस 1, यानी 11 को हम 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये टेंस का वैल्यू और ये टेंस का वैल्यू ऐड हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 500 प्लस 100 10 प्लस 1। अब देखो इन टेंस में तो टेंस ही होना चाहिए दहाई, लेकिन इसमें तो सेक रहा है, 100 प्लस का वैल्यू है ना, वंस टेंस 100, 100 प्लस तो ये 500 है, लेकिन आपका तो यही 100 प्लस में आ जाता है, तो क्या करेंगे इसमें से भी 100 को बाहर निकालेंगे। कैसे, देखो ये 500 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10, ये तो वंस प्लेस का है, अब इस टेंस प्लेस में से मैंने 100 प्लेस को क्या किया बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इस 100 प्लेस को क्या करेंगे, इस 100 प्लेस में ऐड करेंगे, यानी ये 100 प्लेस और ये 100 प्लेस ऐड हो जाएगा, यानी 500 और 100 कितना होगा 600 प्लस 10 प्लस 1। आपको पता है टेंस और वंस मिला के हम लोग लिखते हैं तो ये कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 600 11।
यानी 10 और ये 1s को मैंने ऐड कर दिया। अब इसका ऐड करके देखो कि वैल्यू कितना होता है। ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म का वैल्यू आया, ये यहां से 6, 5, 11, 11 ऐसे लिखते हैं। वंस टेंस का वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा 8, 2, 10, 1, 11, 11 का 1, फिर कैरी इसमें प्लस होगा 3, 2, 5 और 1, 6 यानी 611। इसको भी मैंने किया तो देखो 611 आया वैल्यू, और एक्सपेंडेड फॉर्म को भी ऐड किए तो 611। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म का ऐड है। अब आपको इसमें कोई डाउट होगा तो डाउट क्लास में पूछेंगे, और इस पे पीडीएफ में हमने कुछ क्वेश्चन डाला है, आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म करके ऐड करेंगे और इससे हेल्प लेंगे। जो प्रॉब्लम होगा वो डाउट क्लास में पूछेंगे। थैंक यू।